राय साहब। राय साहब का परिचय मैं कई मंचों से सुन चुका हूँ, पर हर बार मुझे वो अधूरा सा लगता है क्योंकि वो मुझे पर्यावरणीय पत्रकार ज्यादा लगते हैं। और नारे दावों और वादों के दौर में उन्होंने भरोसा दिया कि लगे रहो, तो उनकी प्रेरणा हमेशा से साथ में रही। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हमारे सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी, जिनके ग्लोरी ऑफ रिवर के विचार से जुड़कर देश की तमाम नदियों को छूने, समझने, बुनने और पुनने का मौका मिल रहा है। मेरे विभाग अध्यक्ष मौली कौशल जी, जो प्यार से और डांट के प्रोत्साहित करती रहती हैं कि कुछ करो नया। सोपान जी आ गए हैं, जिनके होने से अनुपम जी के होने का एहसास होता है। ऐसे मंजू भाभी जी भी हमारे साथ कार्यक्रम में हैं, मैं आपको भी प्रणाम करता हूँ। वरिष्ठ पत्रकार और पर्यावरणविद सोपान जी, और हमेशा से साथ में खड़े रहे हैं कुछ भी लिखने पढ़ने के दौर में, लिखने पढ़ने के। और कला नीति विभाग के विभागाध्यक्ष रमेश सर, रमेश कौर सर, और इस कहानी पर भरोसा जताने के लिए प्रकाशक अरुण महेश्वरी जी, और आप सभी नदी प्रेमियों को मैं प्रणाम करता हूँ। इस किताब का जो आधार बन सका है, वो कुछ आशंकाएं हैं और कुछ आधार हैं। तो हम अक्सर ये सोच सकते हैं कि आशंकाएं निर्मूल साबित हों, लेकिन आधार जो होते हैं वो निराधार नहीं होते। वैसी कुछ कुछ स्थिति है कि ये किताब बन पड़ी है। ये वास्तव में इस किताब की जो भूमिका है, जो नींव है, वो अनुपम जी के एक वाक्य से निकली है। जब केदारनाथ हादसा हुआ था, तब उन्होंने समझाया कि प्रकृति का अपना एक कैलेंडर होता है, जो कई सौ वर्षों में अपना एक पन्ना पलटता है। और आप लोगों ने देखा होगा कि उस समय जब केदारनाथ हादसा हुआ था, तो ऋषिकेश में परमार्थ आश्रम के सामने रखी शिव की विशाल प्रतिमा ढह गई थी, और वही तस्वीर सभी जगह मीडिया में नजर आ रही थी। तब उन्होंने कहा था कि गंगा के शिव जो है वो हिमालय हैं, और वो हमारी बनाई हुई मूर्तियों को नहीं पहचानती। तो ये वाक्य इस बात की बात का आधार देता था कि आप सोचिए कि जिस तरह से समाज और सरकार गंगा को लेकर सोचते हैं या करते हैं, ये सब आगे कहां तक जाएगा। इस किताब के केंद्र में उपन्यास लिखने की मैंने कोशिश की है। इस किताब के केंद्र में फरक्का बांध है। फरक्का बांध की मैं आपको असल फैक्ट बताने की कोशिश करूं। फरक्का के पहले इतनी गाद वहां जमा हो चुकी है कि यदि उस पूरी गाद को निकाला जाए, गाद को निकालने के लिए जितने ट्रक लगेंगे, उन ट्रकों को एक लाइन से खड़ा कर दीजिए, तो पृथ्वी के 126 चक्कर पूरे हो जाएंगे। और ये जो डाटा है, ये 10 साल पुराना है, उसके बाद का मुझे नहीं पता। और ये जो कहानी है, ये आज से 55-60 साल बाद की है। तो आप अंदाजा लगाइए कि हम कहाँ जा रहे हैं। हमारे पास ऐसे कई राक्षस हैं, कुछ हमने खुद बनाए हैं और हमी ने बनाए हैं। प्लास्टिक है, हर एक घंटे में करीब 60 करोड़ बोतलें भेजी जा रही हैं। हिंद महासागर में हमने पूरा पहाड़ खड़ा कर दिया है। तो बटरफ्लाई इफेक्ट से तूफान लाने की आशंका जताने वाला विज्ञान इस बात पर कितना विचार कर पाता है।
जो गीला कचरा सूखा कचरा या हरा डिब्बा या नीला डिब्बा हम छांटते हैं वो वास्तव में उस नीले डिब्बे का जो कचरा है वो अंततः कहाँ जाता है, उसके अंतिम गंतव्य पर बात नहीं होती, वो उसका अंतिम गंतव्य समुद्र है। कहते हैं कि जो कुछ भी शब्द हम बोलते हैं, जो हम बोल रहे हैं, ये कहीं जाता नहीं है, ये हमारी समझ से परे विचरता रहता है, निर्वात में कह लीजिए। ये कभी वापस आया तो क्या होगा, वो जो कचरा जो जा रहा है वो कभी वापस आया तो क्या होगा, ये आशंकाएं हैं बहुत सारी। इस किताब में भी एक चरित्र है जो वापस आया है कुछ पीढ़ियों के बाद, 200-300 सालों के बाद, गंगा के तट से विस्थापित हो रहे लोग आर्सेनिक के कारण, विकास के कारण या नदी में बदलाव के कारण जब कभी वापस आएंगे तो क्या होगा, हमारे अंदर उनको सामना करने की कितनी शक्ति होगी, ये माटी मानुष में समझाने की कोशिश की गई है। क्योंकि साइंस मेरा विषय नहीं है इसलिए मुझे उस पर उतनी समझ नहीं है, वो मेरे पास का भी नहीं है, लेकिन इतना मोटे तौर पे शायद हम समझ सकते हैं कि आज से 55-60 साल बाद विज्ञान तकनीक अपने आधुनिक उत्तर आधुनिक रूप में शायद लोगों को फिर से प्रकृति से जोड़ने का दावा कर रही होगी, कुछ ऐसा अब तकनीक डेवलप हो जाएगी जो ये कहेगी कि मैं आपको प्रकृति से दोबारा जोड़ूंगी, वो स्थिति है। तो एक सोच कर देखने वाली बात है कि ये वास्तव में जो कंडीशन है, जो ये आवाजें हैं, जो नदी में बदलाव है, ये किस हद तक जा रहा है, किस हद तक बदल रहा है। फरक्का इसलिए कि फरक्का में जितनी बार जाते हैं आप, देख कभी फरक्का आपने किसी ने देखा हो तो फरक्का के ठीक पहले एक पहाड़ सा बन गया है, वो पहाड़ पूरा गाल का पहाड़ है और उसका डिसिल्टिंग होना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। कभी जब नदी का एक सामान्य समझ जो हम रखते हैं वो यह है कि नदी गहरी होती है तो उसके दोनों तरफ का जो हिस्सा होता है थोड़ा उठा हुआ होता है, नदी का अपना एक कैचमेंट पावर होता है, उसके हिसाब से वो बहती है, लेकिन जब हम उसकी गहराई ही खत्म कर देते हैं तब पानी अपना रास्ता ढूंढता है, वो फिर ऐसे भागता है। इसीलिए पहली बारिश में ही दिल्ली में हाय हाय करने लगते हैं कि बाढ़ आ गई, तो वास्तव में यमुना हो या कोई भी नदी हो हमने उसके बहने के लिए जगह नहीं छोड़ी है। ऐसे कई सारे बिंदु इस किताब में उठाने की कोशिश की गई है, एक किस्सा कोई के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है कि वाटर फुटप्रिंट कैसे भविष्य का एक अंतर्राष्ट्रीय खेल बनने जा रहा है। चाइना ने इसकी शुरुआत की है, भारत ने भी इसकी शुरुआत की है, जिन फसलों को उगाने में बहुत पैसा लगता है उनको हम अफ्रीकन कुछ कंट्रीज से टाई अप करके मंगा रहे हैं, बुआ रहे हैं, वहाँ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं। और ऐसे साल में दो बार आने वाली बाढ़ का विषय है, ये अभी बहुत शायद ना सुना हो कुछ लोगों ने कि उत्तर पूर्व भारत का बहुत बड़ा हिस्सा साल में दो बार बाढ़ झेलता है। जब एक बार बाढ़ आती है तो वो साथ में बहुत कुछ बेहतर लेकर जाती है, लेकिन जब दो बार बाढ़ आती है तो उसकी भरपाई कई कई सालों तक नहीं होती। ऐसे ही कई प्रयास हैं जिनको इसमें शामिल करने की कोशिश की गई है। अल नीनो एक बहुत अच्छा बहाना शायद भविष्य की सरकारों के लिए होगा कि जैसे म्यांमार में जो तबाही हुई उसका ठीकरा अल नीनो में फोड़ दिया गया, ऐसे ही हम अपने किए का एक 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 विलेन साथ में तैयार कर रहे हैं कि कुछ भी प्राकृतिक आपदा के लिए अल नीनो को आरोपित किया जा सकता है। ऐसी कई बातें इसमें शामिल की गई हैं, बांग्लादेश को लेकर, गंगा के रूट को लेकर, गंगा सागर वास्तव में जो प्राचीन गंगा सागर है वो बांग्लादेश में है, जिसे गंगा सागर मानते हैं, कुछ सौ साल पुराना है। और ये जो धारणा है समाजों सरकार की गंगा का पानी बांग्लादेश चला जाता है, वो समझने की जरूरत है कि गंगा का पानी बांग्लादेश चला नहीं जाता है, जैसे गंगा यहाँ बहती है वैसी वो वहाँ बहती है। तो ये कुछ बातें शामिल करने की कोशिश की गई है, आप लोग इसको पढ़ें। धन्यवाद।